नमस्ते, वेलकम। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, तभी जाके मुझे समझ में आएगा कि मुझे कैसी वीडियो बनानी चाहिए और आपको कैसा वीडियो पसंद आ रहा है। तो आपका कॉमेंट हमें प्रोत्साहित करने के लिए होगी, तो प्लीज कॉमेंट जरूर करें। और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वेलकम, दिस इज सविता सिंह, वाइफ पर सुपर हस्बैंड, मदर फसल, यूट्यूबर, अहोमे। हमारी आपकी सबकी कहानी है ये, और सेम टू सेम मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, तो आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आजकल हम युवाओं को सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है हमें सुंदर दिखना, स्मार्ट दिखना। और यदि हम हाउस वाइफ हैं तो हमारे पास उतना टाइम नहीं बचता है कि हम अपने स्किन पर ध्यान दें, फेस पर ध्यान दें। हम इतने उलझ जाते हैं बिजी रूटीन में, बच्चे में, फैमिली में, कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। जब हम शीशा के सामने खड़े होते हैं तो खुद को देख के ये लगता है कि अरे कैसे थे, कैसे हो गए हैं। हमें ध्यान देने की जरूरत है, पर टाइम ना होने की वजह से हम इग्नोर भी कर देते हैं। अरे छोड़ो ना, कहाँ बाहर जाना है, हमें क्या करना है, कौन सा फिर से शादी करना है कि हमें इतना ज़्यादा यंग दिखने की जरूरत है। बट सबसे ज़्यादा हमारे माइंड पे असर तब होता है जब हमारे पास पड़ोस के लोग बोलते हैं कि अरे कैसी दिख रही हो, कैसी थी, कैसी हो गई हो, कितनी दुबली हो गई हो, तुम्हारा फेस अब पहले के जैसा ग्लो नहीं कर रहा है, उम्र से पहले इससे ना झुर्रियाँ आने लगी हैं, ये जो फेस है, ये जो टाइट स्किन होना चाहिए वो अब लूज होने लगा है। तो ऐसे ऐसे जब कॉमेंट सुनने को मिलता है ना, तो कितना भी कोई भी अपना क्यों ना हो, इफेक्ट तो होता है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, जो अच्छा नहीं होता है। हमें स्ट्रेस सा हो जाता है कि अरे वो फलाने ने कहा, ये सच तो नहीं है, और तुरंत हम घर में आके शीशा में देखना शुरू कर देते हैं। तब और ज़्यादा हमारे लिए चिंता बढ़ जाती है, हम उस पर ध्यान ना देने के बजाय चिंता बढ़ा लेते हैं, अपने दिमाग पे असर डालना शुरू कर देते हैं फलाने ने ऐसे। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि रात हो गए हैं और रात के टाइम में वीडियो शूट कर रही हूँ, 10:20 हो रहे हैं और इस टाइम पर मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी डेली स्किन केयर, तो वो भी पूरा दिन की नहीं, सुबह में मैंने कौन सा क्रीम यूज किया था वो मैं दिखाने वाली हूँ, और फिर मैं रात को इसे कैसे रिमूव करती हूँ और रात के टाइम अपने स्किन को केयर कैसे करती हूँ ताकि पूरा दिन फ्रेश रहता है मेरा स्किन। तो अभी जो आप इस मेरा स्किन देख रहे हैं ना, कितना साफ है, एकदम क्लीन हो गया पूरी तरह से, वो भी ज़्यादा प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट मैं यूज नहीं करती हूँ। दो तीन ऐसे प्रोडक्ट है जिसे मैं डेली यूज करती हूँ और अपनी स्किन को इसी से क्लीन करके रखती हूँ। तो मैं सुबह में कौन सा क्रीम यूज करती हूँ वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो सुबह सो के उठ के मैं सबसे पहले स्किन पर ध्यान नहीं देती, बल्कि लंच बनाती हूँ अपने बच्चे के लिए, उठाती हूँ, स्कूल भेजती हूँ, फिर आती हूँ, फिर बाकी सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ, फिर मैं नहा के फ्रेश होके तब जाके ये क्रीम यूज कर रही हूँ। तो अभी मैं जो क्रीम यूज कर रही हूँ वो है लोटस का, और लोटस का बहुत सारे क्रीम आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन मैं जो यूज कर रही हूँ वो है लोटस हर्बल डे क्रीम। मैं अपनी प्रॉब्लम को अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया कि मेरा स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली रहता है, ड्राई नहीं रहता है, स्किन जो है वो टाइट नहीं रहता है, और एक जो ग्लो होता है ना फेस पे वो नहीं रह गया था मेरे फेस पे ग्लो। तभी मैंने ये प्रॉब्लम उसके साथ शेयर किया, तो उसने मुझे यही क्रीम सजेस्ट किया, तो इसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो क्रीम है ना, काफ़ी 6 मंथ मैं यूज कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा फायदा दिख रहा है, जैसा अभी आप मेरे फेस को देख सकते हैं। तो ये हो गया मेरा जो सुबह का कि मैंने फेस क्रीम जो लगाया, सन क्रीम, तो ये मेरा सुबह का हो गया। पूरा दिन मैं बिजी रहूँगी, काम करूँगी, उसके बाद से अब क्या होगा कि नाइट, तो रात को मैं फिर से खाना ना बना लेती हूँ, सारे काम खत्म कर लेती हूँ, फिर सोने से पहले मैं फेस वॉश करती हूँ। फेस वॉश करने के टाइम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें फेस वॉश कैसे करना चाहिए। फेस वॉश को हमें सबसे पहले हाथ में लेना चाहिए, उस पर पानी डाल के उसे झाग निकालना चाहिए। झाग निकाला है तो हम इस तरह से, इस हाथों से इस तरह से फेस पे ऐसे ऐसे रगड़ना चाहिए, और यदि नेल बड़ा बड़ा हो तो नेल से नहीं रगड़ना चाहिए बल्कि उंगली से। हमारा जो फिंगर्स है ना, उसके फिंगर्स की मदद से फेस पर उसको ऐसे रगड़ना चाहिए, और कम से कम 3-4 मिनट, अगर 5 मिनट यदि आप कर पाते हो तो 5 मिनट जरूर करें, यदि 5 मिनट नहीं कर पाते हैं तो 3-4 मिनट करें। फेस वॉश होने के बाद फिर हम तौली से पोछने के टाइम इस बात का ध्यान रखें कि हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं कि तौली से पोछने के टाइम खूब रगड़ते हैं पानी से, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
हमें करना चाहिए उसको तौली को हाथ में पकड़ो और बस पानी को ऐसे हल्के हाथों से डिप डिप करोगे ना तो वो पानी अपने आप तौली में चला जाएगा और आपका स्किन ड्राई हो जाएगी। पोंछने के बाद 2 मिनट ऐसे ही छोड़ दें, फेस अपने आप सूख जाएगा। उसके बाद से हम नाइट क्रीम यूज करेंगे। तो मैंने लोटस का ही नाइट क्रीम लिया है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और नाइट क्रीम हमने लगाया, फिर इसके बाद हम अपने आई के नीचे आई टोनर लगाएंगे। और यदि आप 25 अबव हो गए हैं या 30 अबव हैं तो इसको जरूर यूज करें, क्योंकि हमारे आंखों के नीचे ना डार्क सर्कल आना शुरू हो जाता है। और ये आम बात है, इसमें डरने वाली भी बात नहीं है, डार्क सर्कल होना आम बात है। बेबी डिलीवर करने के टाइम भी, प्रेगनेंसी के टाइम से ही शुरू हो जाता है डार्क सर्कल, क्योंकि हम नींद पूरा नहीं ले पाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, तो इस वजह से डार्क सर्कल आना ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। तो हम यदि ऐसी प्रॉब्लम है आपके साथ तो इस आई टोन को जरूर यूज करें, बहुत फायदा करेगा और डार्क सर्कल आने से बचा पाएंगे आप अपने आंखों के नीचे फेस को, स्किन को। तो ये हो गया हमारा नाइट क्रीम। और नाइट क्रीम यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि नाइट स्किन केयर जरूर करें, नाइट स्किन केयर जरूर रखें, अपने फेस पर पूरी तरह से फोकस करें, ध्यान दें। क्योंकि पढ़ा था, स्पेसिफिक पेपर में दिया हुआ था, हाल ही में शोध के अनुसार क्या हुआ था, क्या है कि हम जब रात को सो जाते हैं तो हमारे स्किन पर, फेस पर हजारों लाखों की गिनती में रैसेज आते हैं। वैसे छोटे छोटे जो दिखने वाले नहीं होते वैसे कीड़े हमारे फेस पर ऐसे चलते हैं, जबकि ये नुकसानदेह नहीं है, बल्कि हमें ध्यान देने की जरूरत है कि यदि हम कोई ऑर्गेनिक अच्छा सा प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करें तो फायदा ही करेगा। ठीक है, तो जरूर स्किन को केयर करें नाइट में डे में, ये हमारे लिए ही अच्छा है। उम्र से पहले बूढ़े हो जाए उससे अच्छा कि आप स्किन पर ध्यान देना शुरू करें, ध्यान दे सकते हैं। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।